गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नई पोएम स्टार्ट कर रहे हैं डर्ज बाय जेम्स शर्ली। आई होप दिस दिवाली वैकेशन वॉज सेफ एंड फाइन फॉर यू ऑल ऑफ यू। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोएम डर्ज बाय जेम्स शर्ली। तो जेम्स शर्ली के बारे में पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ही इज़ एन इंग्लिश पोएट एंड अ ड्रामेटिस्ट। ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज एंड ही हैज़ रिटन प्लेज लिखे उन्होंने 31 प्लेज लिखे हुई है। और ये जो पोएम है ये एक लिरिक है। लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि लिरिक यानी एक गुनगुनाते हुए गाना होता है, या तो फिर जो सिंपल पोएम होती है वी कॉल इट एज अ लिरिक। बट दिस काइंड ऑफ अ लिरिक इज़ अ ग्रीफ पोएम, यानी यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, लेमेंट कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। और वो रो किस पे रहे हैं, वो रो रहे हैं डेथ पे, कि बिकॉज द पोएट इज़ लेमेंटिंग ऑन द ग्रीफ फॉर द डेथ। तो ये पोएम का जो समरी है उसका, ये पोएम का जो एक समरी हम कह सकते हैं कि इस पे है कि ही वॉन्ट्स टू से दैट कि डेथ किसी के लिए भेदभाव नहीं करती, भले ही वो किंग हो या तो फिर वो पुअर हो, रिच हो पुअर हो, लेकिन डेथ इज़ गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल ऑफ देम। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द स्टैंजा फर्स्ट, जिसमें कहा गया है द ग्लोरीज ऑफ अ ब्लड एंड स्टेट आर शेडोज नॉट सब्सटैंशियल थिंग्स। अब ग्लोरीज यानी जो हमारी, जो हमको नाम मिला है, जो हमको शोहरत मिली है, ऑफ आर ब्लड एंड स्टेट, किस कारण, कभी कभी ब्लड यानी हम कहते हैं खानदानी चीज़ों के कारण, खानदान हम कहते हैं कि हाँ मेरा ये खानदान है तो मेरा ये नाम है, या तो फिर जो कुछ भी स्टेट होता है कि हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये सब क्या है, शेडोज है, परछाई की जैसी है, ये कुछ टिकने वाली चीज़ें नहीं हैं। देर इज़ नो आर्मर अगेंस्ट फेट, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको डेथ से बचा सकती नहीं है। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, डेथ जो है वो किंग पे भी हाथ रखेगी और डेथ किंग के लिए भी सेम रहेगी जो एक पुअर के लिए रही। स्केप्टर एंड क्राउन, अब ये दो चीज़ें हैं, स्केप्टर यानी हम कहेंगे सत्ता, जो उसकी पावर होती है, और क्राउन यानी मुकुट। तो डेथ होने के बाद ना उसकी सत्ता रहेगी और ना उसका क्राउन रहेगा। मस्ट टम्बल डाउन, अब टम्बल डाउन का मीनिंग होता है उलट पुलट करके गिर जाना, तो सब कुछ क्या हो गया जाएगा, जब डेथ आ जाएगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड, और सत्ता भी चले जाएगी और उसका नाम भी चले जाएगा डस्ट में, यानी मिट्टी में वो मिल जाएगा। विद द पुअर क्रूक्ड सिथ एंड स्पेड, सिथ एंड स्पेड यानी जिसको हम कुदड़ी फावड़ा कहते हैं, कि जो कुछ भी कटिंग के लिए की जाती है, तो एक सिंपल से वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक गड्ढा किया जाएगा और किंग को भी उसमें दफनाया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हमारी ग्लोरीज है, जो कुछ भी हमारा नाम है, वो डेथ को बचा नहीं सकती, डेथ किंग के लिए भी वैसा ही रहेगा और वो उसकी स्केप्टर भी लेके जाएगा, उसका क्राउन भी लेके जाएगा, मींस उसकी सत्ता भी चली जाएगी और उसका मुकुट भी चला जाएगा। सो इन दिस फर्स्ट स्टैंजा ही डिस्क्राइब्स, द पोएट डिस्क्राइब्स दैट डेथ इज गोइंग टू बी सेम फॉर द किंग एंड नथिंग कैन सेव हिम, कोई भी उसे बचा नहीं सकता है। So this is the explanation of the stanza first of the poem, Dirge. Thank you.